अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? वेलकम बैक टू माय चैनल। हसन अली साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए आज, जब पहले दिन का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा, तो ही सेड कि इट वाज अ गुड डे एज अ बॉलिंग यूनिट, बट आई डोंट थिंक इट वाज अ गुड डे। हमने काफ़ी ज़्यादा रन कंसीड कर दिए हैं। खैर, उन्होंने कहा कि हमने इतने ज़्यादा रन नहीं करने दिए, बट आई थिंक 187 for 3 ऑन दिस सर्फेस इज़ प्रेटी मच इनाफ टू टैकल अ टीम लाइक पाकिस्तान, जिसकी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में। सो आई थिंक इट वॉज नॉट दैट मच गुड डे। आई मीन, जैसे मैंने पहले अपनी वीडियो में कहा कि भाई 60-40 रहा ये दिन, 40% पाकिस्तान का सही रहा, 60% ऑस्ट्रेलिया के हक में गया है। तो खैर, हसन अली साहब का कहना था कि एज अ बॉलिंग यूनिट इट वॉज अ गुड डे फॉर अस एंड वी वर अनलकी कि हम ज़्यादा विकेट्स नहीं ले सके, बट है कि हमने इतना ज़्यादा है कि उनको रन नहीं करने दिए, तो ये है कि एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। एंड फिर उनसे पूछा कि भाई ड्रॉप कैचेस का एंड ऑल, वही पुरानी कहानियाँ। सो है कि उन्होंने कहा कि भाई गेट द कैच एंड ड्रॉप द कैच इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, सो इट हैपन्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट एंड इट्स नॉट अ बिग डील। आई मीन, ड्रॉप कैच भी हो सकते हैं ही सैड। एंड फिर है कि पहले बॉलिंग करने के फैसले के हवाले से उनसे पूछा गया कि भाई उन्होंने कहा कि स्टैट्स यहाँ पे ये कहते हैं कि जो टीम पहले बॉलिंग करती है उसको थोड़ा सा एज मिलता है। एंड उन्होंने कहा कि भाई पिच भी काफ़ी स्लो था, इतना ज्यादा बाउंस से, मतलब बाउंस से इतना इवन नहीं था, अनइवन बाउंस आ रहा था, तो इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट बाउंस भी नहीं था। एंड पिच थोड़ी सी ट्रिकी है सैड, बट है कि उन्होंने कहा कि हम खुश हैं कि एज अ बॉलिंग यूनिट हमने अच्छी बॉलिंग की है। सलमान अली आगा के हवाले से सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाई ही इज़ डूइंग वेल, और एक है कि फ्रंट लाइन स्पिनर के तौर पर वो खेल रहे हैं एंड उन्होंने डिलीवर भी ऐसा ही किया है, तो ही इज़ परफॉर्मिंग वेल एंड ही इज़ इम्प्रूविंग वेल। सो जो हसन अली साहब को लगता है कि भाई सलमान अली आगा वॉज द बेस्ट चॉइस। और फिर है कि पेस के बारे में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा भाई पेस के हवाले से मुझे नहीं मालूम क्या खबरें हो रही हैं, क्या रूमर्स हैं, सैडिया रूमर्स हैं। और मैंने खैर कभी भी पेस में इतना ज़्यादा कोई बॉलर नहीं रहा हूँ, मैंने कभी 150 टच नहीं किया ही सैड। एंड खैर, हसन अली के हवाले से तो वी ऑल नो दैट कि वो मीडियम पेसर हैं एंड कभी भी इतना ज़्यादा, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा पेस गिर गई भाई। 120 ये सूटेबल नहीं भाई। एक है कि आप मिडल मीडियम पेसर हो, वी ऑल नो दैट हसन अली कोई पेसर नहीं है, मीडियम पेसर है, बट मीडियम पेसर की भी पेस 130-135 होती है भाई। आपके स्लो वन तो देखो, जैसे कोई स्पिनर भी इसे तेज़ बॉल कराता है, इतनी ज़्यादा है कि आप, आपकी पेस गिरी भी है, तो इस पर आपको काम करना पड़ेगा। एंड है कि ऑल्थो पेस से ज़्यादा लाइन ऑफ लेंथ मैटर करती है, बट स्टिल पेस भी अगर आपके साथ हो विद दिस इनक्रेडिबल लाइन ऑफ लेंथ, तो है कि आप बहुत ज़्यादा लीथल हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन जो कि आपको ऑस्ट्रेलिया में मिली हुई हैं। सो खैर, सर के पेस के बारे में किसकी गिरी है किसकी है कि वो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, हम इस तरह की बातों को नहीं देखते, ये इन रूमर्स पे हम कान नहीं धरते सर। और फिर है कि उन्होंने कहा कि भाई पिच काफ़ी ज़्यादा स्लो है एंड है कि हम ट्राई करेंगे उनको रिस्ट्रिक्ट 250 तक उनको रिस्ट्रिक्ट कर दें, ताकि अगर 250 तक हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चांस हो जाएगा हमारा टू विन द मैच। एंड फिर एंड में उन्होंने फिर यही कहा कि भाई इट वॉज अ गुड डे एंड इट वुड बी अ गुड चांस फॉर पाकिस्तान टू विन द टेस्ट मैच फ्रॉम हेयर, अगर तो है ठीक है 250 अंडर 250 पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, दैट वॉज इट फ्रॉम द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ हसन अली साहब। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।